स्टार्ट करें। डॉक्टर मार्क दुनिया के सबसे बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने जिनका एक बार किसी को देखने का फीस लाखों रुपये में जाता है, उस व्यक्ति को उसने एक मेडिकल रिसर्च की तो उनको एक सेमिनार में उनको अवार्ड देने के लिए बुलाया गया तो वो सीधा वहाँ पे अपने पर्सनल प्लेन लेके वो निकले। अच्छा। पर्सनल प्लेन लेके निकले तो 2 घंटे में उस फ्लाइट में टेक्निकल स्नैग आ गए तो एक अनजान एयरपोर्ट पे उनको उतरना पड़ा। अच्छा। तो अनजान एयरपोर्ट पे वो जैसे ही उतरते हैं उन्होंने बोला भाई मेरी फ्लाइट तो खराब हो गई है, तो उन्होंने बोला नेक्स्ट फ्लाइट कोई है क्या? बोले जिस जगह जाना है उससे कम से कम 8 से 10 घंटे बाद फ्लाइट है। तो अभी क्या करना? तो उसने बोला कि भाई एक टैक्सी वाले को तैयार किया कि तुम चलो। बोले सर हाईवे से जाएंगे तो 10 घंटा लगेगा, एक जंगल से रूट है वो 4 घंटे में अपने को पहुंचा देगा। बोले ठीक है चलो। GPS ऑन किया और चल रहे थे। 2-3 घंटा हुआ कि मौसम चेंज हो गया और पूरी बारिश चारों ओर से, GPS ने काम करना बंद कर दिया चारों ओर। तो वो रास्ता भूल गए, अब वो रास्ता भूल गए, जंगल में इधर उधर घूम रहे। अब वो हालत ये हो गई कि 3 घंटा हुआ 4 घंटा हुआ 5 घंटा हुआ भी हालत। तो उन्होंने बोला अभी छोड़ो आप अपने वापस रिटर्न चलते हैं। अच्छा। अब वो रिटर्न आ रहे हैं ना तो कोई रास्ता नहीं मिला, 6-7 घंटा हो गया। बोले यार मेरे को भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, कोई ऐसी जगह कोई यार घर दिखाई दे तो मुझे खिला दो। वो एक दूर से एक छोटा सा मकान टाइप झोपड़ी टाइप था, वहाँ जाके घर के बाहर गए, डॉक्टर उतरे और डॉक्टर ने नॉक किया। बोले कोई अंदर है क्या? अंदर एक हस्बैंड एंड वाइफ बैठे थे, वो आए खोले। उन्होंने बोला कि बारिश हो रही है आप अंदर आ जाओ, पहले आप भीग जाओगे, अंदर आए। तो उन्होंने बोला आप थोड़ा मौसम ठीक हो जाओ आप चले जाना, अब थोड़ा चाय पी लो। इसको तो खुद को पीना ही था। बोला ओके, चाय पिया। उसने बोला आप थोड़ी देर रुको मैं आपके लिए खाना लगाता हूँ। तो उन्होंने खाना लगाया तो वो खाना लगाते वक्त प्रेयर करने लगे, कौन? हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये तो विज्ञान का आदमी था, ये मुस्कुराया, ये बोलता है अपने तो ये सब चीज़ों में बिलीव करते नहीं है। ये बोला मेरे को कोई चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं। वो सुन रहा है, देख रहा है, वो प्रेयर कर रहे पढ़ रहे, उसकी आवाज़ की उसने देखा कि पीछे से कोई बच्चा एक चिल्ला रहा है। तो उससे रहा नहीं गया कि बोले ये कौन है? बोले साहब मेरा बड़ा लड़का है, कई सालों से बीमार है और मैं आसपास कई डॉक्टरों को बता चुका, उन्होंने बोला कि कैंसर है और इसको दुनिया में एक ही आदमी ठीक कर सकता है, उसका नाम है डॉक्टर मार्क। माय गॉड। और वो करोड़ों रुपए लेता है और मेरे पास ऐसा कोई पैसा है नहीं और मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ। वो डॉक्टर मार्क सब सुन रहा है। उसने बोला कि तुम्हारा जो भी परमात्मा है ना, जिसको भी तुम प्रेयर करो नी, वो बड़ा भारी चीज है। हाँ। बोले क्यों? उसने मेरी फ्लाइट खराब कर दी। हाँ। उसने मेरा उसने मुझे बारिश में इधर ले आया, अनजान जगहों पे भटका दिया और तुम्हारे पास ले आया। मेरा ही नाम डॉक्टर मार्क है। वाह 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 संजीव भाई, और मैं ही तुमको लेने आया हूँ। तो बोले क्या? बोले एक काम करो, तुम अभी इस बच्चे को मेरी कार में डालो और मैं इसको ठीक। लेकिन वो बच्चा एकदम टिप टॉप हो गया। Oh my God। और उस दिन से उस डॉक्टर के मन में आ गया कि मैं जो करोड़ों रुपए का ये जो काम कर रहा हूँ ना, मुझे लोगों की भलाई के लिए काम करना है। वो उसका लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। इसलिए जिसको भाई बता दो।